Surbhi Chandna, who is currently seen in Star Plus show Sanjeevni 2, got chatty with us as we took a peek inside her lunchbox, which she carries to her set. So let's invade Surbhi's lunchtime. Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. आइए वेलकम. आप आए हैं आज पहली बार मेरे संजीवनी के सेट के मेकअप रूम में. सो आई वेलकम यू इन द फोरम्स. आज एक्चुअली कुछ डिफरेंट करने का मेरा दिल था एंड मैंने आशिमा से डिस्कस किया एंड आई सेड चलो मैं दिखाती हूँ कि आज मैं लंच में क्या करने वाली हूँ बिकॉज इट्स ब्रेक टाइम. आप देख सकते हैं 2:30 हो गया है. सो सुबह आते तो मैं ब्रेकफास्ट भी बताती बट सुबह आज मैंने शुरुआत अपनी दिन की एक्चुअली एक जूस से शुरू किया. फ्रूट जूस विद पोमोग्रेनेट और सब कुछ और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा गुड़ खा के निकली हूँ. आज आई तो मैंने सुबह सुबह डोसे खाए हैं. मेरी मम्मी ने 2 डोसे बनाए थे चटनी के साथ और काली कॉफ़ी. ओहो अब मुझे लगा ये भूख. सो यूजली आई कैरी दिस इज़ माई डब्बा फ्रॉम ब्रेकफास्ट डब्बा. फिर जैसे ही मैं सेट पे आई तो बिफोर द ब्रेकफास्ट मैंने एक्चुअली इसमें नारियल पानी पिया था. तो ये मेरा एक बैग है जिसमें नारियल पानी जाता है मेरा एंड दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट डब्बा. कितना क्यूट. कभी स्टील का डब्बा भी देती है मेरी मम्मी जैसे हम लोग स्कूल वूल में खाते थे ना तो उसमें चटनी थी और डोसे थे. वो जब चट कर गई हूँ मैं एकदम. शीता भी खाता है एंड वी हैव सम योगर्ट. मेरी बहन स्विस जाती हैं जब भी तो हम हमारे लिए बहुत सारी वहाँ की नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें लाती हैं. ये दही भी वहीं की है तो अभी मैं लंच में खाऊंगी स्विस की दही. इसके बाद स्विस मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने वाला है. साथ में मेरे फ्रूट्स का डब्बा है आप देख सकते हैं. इसमें भी स्विस के ही मोस्टली फ्रूट्स हैं. ब्लूबेरीज हैं सम चेरीज. एप्पल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट अवोकाडो ये बोलते हैं ना एंड सम छोटा सा केला एंड वहाँ की ग्रेप्स मोटी मोटी जो मैं शाम को खाऊंगी. अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे को फ्रूट शाम को ही पसंद है सुबह सुबह नहीं. जबकि कहते हैं कि उनका कोई वैल्यू रहता नहीं है. यू शुड इमीडिएटली कंज्यूम देम. सो डोंट फॉलो माय पैटर्न बट आई प्रेफर ईटिंग इन द इवनिंग में मुझे थोड़ा सा शुगर रश मिलता है. सो या एंड आई कैरी विटामिन सी. कभी मन किया तो थोड़ा सा इन बिटवीन लिक्विड पीने का तो मैं ये घोल के पी लेती हूँ. ये मेरी छोटी सी केचप की बॉटल है क्योंकि मुझे केचप हर चीज़ के साथ बहुत पसंद है चाहे वो डोसा हो चाहे वो पराठा हो चाहे वो कुछ भी हो. बट आई विल अवॉइड इट फॉर लंच. सो दैट्स माई डब्बा. दिस इज़ माई स्टील का पानी का बॉटल. ट्राइंग टू अवॉइड प्लास्टिक्स. सो येस दैट इज़ स्टील का पानी जो घर से आता है एंड दैट्स माई ब्रेकफास्ट का बैग. कमिंग टू माई बास्केट आई यूजली हैव कॉफ़ी. दीज डेज आई एन्जॉय ब्लैक कॉफ़ी. ये गोल्ड है तो मैं थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ. इसमें आज सुबह मैंने पपाया खाया सो डब्बा खाली हो चुका है. आई हैव अ डब्बा विच हैज़ सम एसेंशियल्स लाइक मेडिसिंस क्योंकि पुदीन हरा भरा पेट वेट के लिए साफ समझ ही सकते हैं. देर आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज फ्लेवर्ड टीज और ये मेरी फेवरेट टी है गिरनार. इसके बाद फिर से मुझे अपना एम्बेसडर बनाएगा स्विस के बाद. ये मैं डिटॉक्स ग्रीन टी पीती हूँ. आई लव द टेस्ट ऑफ इट. सारी मेडिसिंस हैं कुछ एसेंशियल्स हैं स्ट्रेप्सिल्स हैं. दैट्स अ लिटिल डब्बा एंड मेरे पास कुछ मखाने हैं फॉर इवनिंग स्नैक्स. एक्चुअली आप देख सकते हैं इसमें कुछ बादाम नट्स वट्स हैं. सो इन द इवनिंग आई एम वेरी हंग्री तो मैं खा लेती हूँ. एंड कुछ स्विस की आइटम्स हैं. ये क्रैकर्स हैं कुछ स्विस के जो चीज़ वाले क्रैकर्स हैं. एक ब्रेड है. अगर बहुत मन किया तो शाम को ब्लैक कॉफ़ी के साथ यू नो यू कैन पुट एवोकाडो एंड जस्ट हैव इट. सो दैट्स अबाउट इट. और बाकी चीज़ें तो कुछ टिश्यूज़ एंड जो टिश्यूज़ एंड यू नो वेट वाइप्स एंड ऑल दैट आई कीप इन माई बास्केट. दैट्स इट. अब मैं एक्चुअली सिंस हंग्री आई एम हंग्री तो मैं अब अपना डब्बा खोलूँगी एंड मैं दिखाऊंगी आज क्या आया है मेरे डब्बे में. ये एक्चुअली बहुत स्पेशल डब्बा है. ये मुझे नकुल मेहता हमारे शिवाय सिंह ओब्रॉय ने गिफ्ट किया था. इसमें खाना गर्म हो जाता है सो इट्स अ लवली गिफ्ट बाय हिम. सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल. नया वाला भी भिजवा दो भैया नए शो की खुशी में. सुन रहे हैं आप ऐसे सो ओके. तो मैंने ना यहाँ पे हमारे जो मेकअप के बॉयज़ आते हैं ना उसमें से एक लड़का है जो घर से ना ठिठसा लाता है. ठिठसा ही बोलते हैं ना मराठी में.
एंड मुझे ना तीखा खाना बहुत पसंद है, तो मैंने उससे ले लिया ये. इसके बाद जो सुबह मेरी कल हालत होने वाली है तो सोच भी नहीं सकते, बट कोई बात नहीं. खाना गर्म हो चुका है, सॉलिड धुआं आ रहा है. तो ये मैं खा रही हूँ अरबी की सब्जी. ओके सॉरी, अरबी की सब्जी वड़ी के साथ, क्योंकि मुझे वड़ी बहुत पसंद है. एंड ये मैं खाती हूँ, अरबी खाती हूँ. रोज़ तो नहीं खाती, आज मैं अरबी लाई हूँ. दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बीन्स. जो हूँ मैं पंजाबी, लेकिन मेरी मम्मी ने थोड़ा साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया है, खोपरा डाल के, कोकोनट. एंड इट इज़ अमेजिंग. इट हैज़ यू नो फ्रेंच बीन्स दे से हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोटीन. इसमें कड़ी पत्ता डालती हैं ताकि मेरे बाल थोड़े बढ़ जाएं. अभी तक यही इतनी हाइट के हुए हैं, हाइट नहीं जो भी है, हाँ लेंथ के हुए हैं. एंड थोड़ी खट्टी बनती है ये, इट्स अमेजिंग. एंड आई यूजुअली हैव इट विद वाइट राइस या सिंपल बॉइल्ड. पानी निकाल देते हैं एंड स्टार्च फ्री वाइट राइस, सिंपल फूड. और दही खाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय माय मील एंड दैट्स इट. अब खा लेती हूँ क्योंकि ब्रेक ओवर हो जाएगा. आप लोग भी खाइए एंड बताइए कि आपको ये सेगमेंट कैसा लगा. After this, we also asked Surbhi some food-related questions, and here they are: a cheat meal you love having. A cheat meal I love having. These days, it's a nice risotto, cheese risotto, any mushroom risotto. I mean, yeah, anything to do with sizzlers, mushrooms, and all that. I prefer vegetarian these days. Yeah, मुझे कोई अच्छी सी fish थाली खिला दो यार. I really enjoy that. An accompaniment you always want with your meals. मेरे को दही चाहिए होती है, चाहे मैं रात को भी खाऊं या दिन में भी खाऊं. और अगर मैं कुछ ऐसे चावल के साथ कुछ खा रही हूँ अपने हाथ से, तो आई एंजॉय सम अचार एंड बूंदी का रायता. आई रियली एंजॉय. पापड़ का मुझे इतना शौक नहीं है. वन फूड आइटम विच यू डोंट लाइक एट ऑल. वन फूड आइटम विच आई डोंट लाइक एट ऑल इज घिया. मतलब अगर वो एक स्पेसिफिक वे में बना होना तो मुझे पसंद नहीं है यार. और मम्मी ना वो भी बनाती है पेठा, दोनों सब्जियां, पम्पकिन पेठा, नॉट माय काइंड्स. अ स्ट्रीट फूड यू लव ईटिंग. सेव पूरी. वन क्यूजीन यू विश टू ट्राई. वन क्यूजीन आई विश टू ट्राई. आई हैव ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग. आई डोंट ईट टू मच ऑफ लेबनीज, पर मुझे लेबनीज बहुत पसंद है. सो आई विश टू ट्राई दैट मोर ऑफन. यहाँ अच्छे कुछ खास रेस्टोरेंट्स नहीं है जो लेबनीज सर्व करते हैं. मुझे तेपेनियाकी बहुत पसंद है. मैंने बचपन तो नहीं खाऊंगी, कुछ अबाउट 8-9-10 साल पहले खाया था तेपेनियाकी, विच इज़ लाइक लाइव फूड एंड ऑल दैट. वो यहाँ बॉम्बे में भी नहीं मिलता. सो आई थिंक आई वुड वॉन्ट टू ट्राई दैट. अ डिश यू हैव ट्राइड एंड रिग्रेटेड. या देर आर सो मेनी रेस्टोरेंट्स जो बहुत ओवर हाइप्ड हैं, सच बात बता रही हूँ. और वहाँ जाते हैं, ओह खाना इतना सही आता है. मतलब यू नो, एक तो मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आता जो इतना सही सर्व करते हैं. हाँ मतलब ठीक है, आप चाहे 4-star हो 5-star हो, बट आप थोड़ा खाना तो दो. मतलब पेट तो भरे इंसान का. एंड सो आई डोंट नो, देर आर फ्यू रेस्टोरेंट्स दैट आर ओवर हाइप्ड. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम. लास्टली, इफ यू हैड टू कुक समथिंग एट 2 AM इन द नाइट, व्हाट विल इट बी? I think I'd like a nice, I don't want to cook something, but maybe एक अच्छा सा ग्लूटेन फ्री ब्रेड पे बटर लगा के किसी तरी वाली सब्जी के साथ खा लिया या कुछ ऐसा. मुझे आलू की तरी वाली सब्जी बहुत पसंद है, और अगर वो पड़ी है तो ऐसे गरम गरम करारी ब्रेड बटर डाल के उसको ऐसे डिबो डिबो के खाना पसंद है मुझे. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Hi, I'm Surbhi Chandna and you're watching me on India Forums. We hope that you guys enjoyed this segment with Surbhi. If you did, do comment and tell us. Ashima Chavda, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.